हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर नंबर सिक्स द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के एम्सक्यूज तो चलिए जल्दी से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच थिंग ओपन द फील्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड एब्राइट रिचर्ड एब्राइट के लिए कौन सी चीज़ ने साइंस के फील्ड को ओपन किया था ऑप्शन हैं अट्रैक्शन फॉर बटरफ्लाइज अट्रैक्शन फॉर फ्रॉक्स अट्रैक्शन फॉर स्नेक्स नन ऑफ दीज बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन ए अट्रैक्शन फॉर बटरफ्लाइज नेक्स्ट है हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट एक्साइड द वर्ल्ड और हम कह सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट का क्या अचीवमेंट थी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ऑप्शन है विद एन आर्टिकल ऑन हाउ टू बिकम ए साइंटिस्ट उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है इसी से उन्होंने सारी दुनिया वालों को एक्साइट कर दिया उन्होंने हैरान कर दिया सबको ऑप्शन बी विद एन आर्टिकल ऑन हाउ टू गेट सक्सेस या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि उन्होंने हाउ टू गेट सक्सेस सफलता कैसे मिलती है इस पर एक आर्टिकल लिख के सबको हैरान कर दिया ऑप्शन सी विद ऑन हाउ सेल्स वर्क सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा यूनिट ये कैसे काम करती है इस पर एक लिखी उन्होंने या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद विद्यरी ऑन सेल्स वर्क क्वेश्चन नंबर थ्री इज एट व्हाट इज डिड रिचर्ड एब्राइट डिस्कवर अ थियरी ऑन सेल्स क्या उम्र थी रिचर्ड ब्राइट की जब उन्होंने ये थ्योरी लिखी थी ऑप्शन है ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन दिस थियोरी और हम कह सकते हैं हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क किसने ये थियोरी एक्सप्लेन करी थी ऑप्शन ए रिचर्ड एच एब्राइट ऑप्शन बी एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट ऑप्शन सी एब्राइट एंड हिज मदर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिचर्ड एब्राइट के साथ उनके कॉलेज रूम मेट ने इस थियोरी को एक्सप्लेन किया था नेक्स्ट है पी एन ए एस स्टैंड फॉर ऑप्शन हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एक्टिविटी ऑफ साइंस प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नन ऑफ दीज एंड राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच वॉज ए होम टाउन ऑप्शन आर रीडिंग ऑक्सफोर्ड न्यूयॉर्क मैक्सिको और सही आंसर है ऑप्शन ए रीडिंग

ऑप्शंस आर हिज मदर हिज फादर हिज सिस्टर हिज फ्रेंड और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिज मदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डि एब्राइट्स मदर बाय फॉर हिम ऑप्शंस आर टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स कैमराज ऑल ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एक्चुअली एब्राइट की मदर चाहती थी कि एब्राइट ऐसे कामों में लगे रहे जिससे वो कुछ ना कुछ लर्न कर सके सीख सके अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज एब्राइट हैड कलेक्टेड इन द सेकेंड ग्रेड जब एब्राइट सेकेंड क्लास में थे तो उन्होंने बटरफ्लाइज़ की कितनी स्पीसीज़ को इकट्ठा कर लिया था ऑप्शन हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव जल्दी से सोचिए यस आप सही सोच रहे होंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट है

ऑप्शन सी हाउ वाइस रॉय इज्ड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इस बुक में बताया गया है कि कैसे मोनक बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हिज रीडर्स रीडर्स टू टैग बटरफ्लाइज किसने अपने रीडर्स को कहा था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें ऑप्शन ए डॉक्टर एब्राइट ऑप्शन बी डॉक्टर फ्रेडरिक ए योर ऑप्शन सी एब्राइट मदर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर फ्रेडरिक ने अपने रीडर्स को कहा था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें अब देखिए डॉक्टर फ्रेडरिक कौन सी यूनिवर्सिटी में थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा ये भी आपको याद रखना है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का पार्ट कौन सा है ऑप्शन देखिए एग कैटरपिलर प्यूपर ऑल ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वॉट ग्रेड डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस रिचर्ड एब्राइट कौन सी क्लास में थे जब उनको हिंट मिला रियल साइंस के बारे में ऑप्शंस देखिए सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सेवंथ ग्रेड सिक्स ग्रेड और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिचर्ड एब्राइट जब सेवंथ क्लास में थे तो उनको एक हिंट मिला कि रियल साइंस होती क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द काउंटी साइंस वेयर रिचर्ड स्लाइड्स वर ऑफ ब्लैंक फिल इन दिस ब्लैंक ऑप्शन हैं इंसेक्ट्स टिश्यूज़ फ्रॉक टिश्यूज फिश टिश्यूज़ नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रॉक टिश्यूज़ एब्राइट ने फ्रॉक के टिश्यूज़ पर अपनी स्लाइड बनाई थी लेकिन इसमें उनको कोई भी पोजीशन नहीं मिली और यहीं से उनको हिंट मिला था कि रियल साइंस होती क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन एब्राइट लोस्ट द फेयर ही डिसाइडेड टू डू अ रियल ब्लैंक फिल इन दिस ब्लैंक प्लानिंग एक्टिंग एक्सपेरिमेंट रोबरी और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट जब रिचर्ड हार गए थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो एक रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड एब्राइट राइट फॉर एन आइडिया ऑफ रियल साइंस एक्सपेरिमेंट रियल साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए एब्राइट ने लेटर लिखा किसको ऑप्शंस ऑप्शन देखिए डॉक्टर फ्रेडरिक हिज फ्रेंड हिज मदर ऑल ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एब्राइट ने आइडिया मांगा था डॉक्टर फ्रेडरिक से नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हिज एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट में एब्राइट एक ऐसी बीमारी का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था ऑप्शंस देखते हैं किल्ड ओल्ड इंसेक्ट्स जो बीमारी सभी इंसेक्ट्स को मार रही थी या फिर ऑप्शन बी किल्ड नियरली ओल्ड मोनक कैटरपिलर्स जिससे सारे मोनक कैटरपिलर्स मर रहे थे किल्ड ओल काउस किल्ड ओल टाइगर्स और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वो एक ऐसी बीमारी का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से हर साल लगभग सारे ही मोनक कैटापिलर्स मर जाते थे नेक्स्ट है विच बटरफ्लाईज डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स मोनक्स वाइस रॉयज बोथ ऑफ दिज नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोनक्स मोनक्स का टेस्ट बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता इसका मतलब बर्ड्स को अच्छी लगती थी वाइस रॉयज और इसी वजह से वाइस रॉयज नकल करती थी कि वो मोनक्स की तरह दिखाई दें ताकि बर्ड्स उनको ना खाएं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड वुड ईट ऑल द मोनक्स इट कुड गेट अब एब्राइट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनको ये देखना था कि मोनर्स बटरफ्लाइज को कौन सा बर्ड खा सकता है ऑप्शंस हैं स्पैरो पैरट स्टारलिंग, नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टारलिंग। यह एक ऐसा बर्ड था जो लगभग सभी मोनर्स को खा जाता था नेक्स्ट है हिज प्रोजेक्ट अबाउट मोनर्स एंड वाइस रॉइज वॉज प्लेस्ड ब्लैंक इन द काउंटी साइंस अब एब्राइट ने जो ये प्रोजेक्ट लिया था मोनक्स और वाइस रॉयस का इसको काउंटी साइंस में कौन सी पोजीशन मिली थी ऑप्शंस देखते हैं फर्स्ट सेकंड, थर्ड नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उनके इस प्रोजेक्ट को थर्ड पोजीशन मिली थी अगला क्वेश्चन है इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड बिगेन द रिसर्च अबाउट ऑप्शन ए वॉट इज दर्पज ऑफ द ट्वेल्व कलर्स ऑफ मोनक्स ऑप्शन बी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनर्क प्यूपर? ऑप्शन सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाइसरॉइज माइग्रेशन ऑप्शन डी व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोनक्स माइग्रेशन और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च की थी कि मोनर्क प्यूपा पर जो छोटे छोटे बारह गोल्ड स्पॉट होते हैं उनका क्या पर्पस होता है नेक्स्ट है Abright and his friend built a device that showed the spores were producing blank a chemical an alcoholic reaction a hormone necessary for the butterfly's full development ऑल ऑफ दीज एब्राइट और उसके फ्रेंड ने एक डिवाइस बनाई जिसने ये दिखाया कि स्पोर्ट कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे तो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे एक हॉर्मोन जो कि बटरफ्लाई के फुल डिवेलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी था नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट ऑप्शन है टोरंटो ऑक्सफोर्ड लंडन हार्वर्ड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट है ए ब्राइट ट्राइड टू ग्रो कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक स्पैरोज स्नेक्स बीटल्स ऑल ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए ब्राइट ने बीटल्स की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को ग्रो करने की कोशिश की थी नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एब्राइट वॉट वॉज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग ए प्राइज इन द साइंस फेयर एब्राइट के अकॉर्डिंग साइंस फेयर में क्या चीज़ जरूरी थी प्राइज जीतने के लिए ऑप्शन है रियल एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले ऑफ थिंग्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रियल एक्सपेरिमेंट अगला क्वेश्चन है डी एन ए इज़ द सब्स्टांस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स डिजीजेज दैट कंट्रोल्स ग्रोथ दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी दैट कंट्रोल्स एंगर और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी डी एन ए एक सेल के न्यूक्लियस में ऐसा सब स्टांस होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है नेक्स्ट है व्हाट वाज़ द नेम ऑफ रिचर्ड्स कॉलेज रूममेट विद हुम ही मेड प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मोलिक्यूल्स रिचर्ड ने अपने कॉलेज रूममेट के साथ मोलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स बनाए थे तो उस फ्रेंड का नाम क्या था ऑप्शंस देखिए जेम्स आर एब्राइट जेम्स हैरियट जेम्स आर वोंग नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेम्स आर वोंग नेक्स्ट है द वर्ड मोनक मैंशन इन द चैप्टर रेफर्स टू बहुत ही ईजी है अस्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई अस्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज अस्पीसीज ऑफ स्पैरोज किंग मोनक शब्द का क्या मतलब है और इसका मतलब है ऑप्शन ए अस्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई नेक्स्ट है वॉट वॉज द नेम ऑफ रिचर्ड्स एस एस टीचर ऑप्शन हैं रिचर्ड फ्रॉस्ट रिचर्ड ए वियर रिचर्ड पीटरसन रिचर्ड फ्यूंटिस और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिचर्ड ए वेरर थे एब्राइट के एस एस टीचर नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर कौन है ऑप्शन देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जी एल ऑल ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड्स अ गुड स्टूडेंट इन साइंस एब्राइट वॉज अ ऑप्शन हैं चैंपियन डिबेटर पब्लिक स्पीकर कैनोइस्ट ऑल ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट है विच क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी अ ट्रू साइंटिस्ट एक ट्रू साइंटिस्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए ऑप्शंस देखिए फर्स्ट रेट माइंड क्यूरियोसिटी विल टू विन फॉर द राइट रीजंस ऑल ऑफ दीज और इसका भी सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज रिचर्ड एब्राइट में सारी क्वालिटीज थी इसीलिए उनको एक ट्रू साइंटिस्ट माना जाता है और अब बारी आती है लास्ट क्वेश्चन की जिसका आंसर आप देंगे ओके द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू एंड द क्वेश्चन इज एब्राइट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन आर बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री मोलिकुलर बायोलॉजी बोथ ए एंड बी नन ऑफ तीस एब्राइट ने कौन से फील्ड में बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो जल्दी से अपना आंसर भेज दीजिए और मैं आपको हिंट दे दूँ कि हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो सेंटेंस आता है वहीं से आपको इसका आंसर मिलेगा और बच्चों देखिए एब्राइट के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनको दो अवार्ड भी मिल चुके हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट और उनका नाम है सीयरल स्कॉलर अवार्ड शेयरिंग प्लो अवार्ड तो यहीं पर हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो